उत्तराखंड में कोविड-19 संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने बताया पिछले कई दिनों से लगातार सरकार द्वारा ऑक्सीजन बेड के लिए इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने कहा प्रदेश में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक की आयु के लोगों को वैक्सीन जो है उसकी कोवैक्सीन की आपूर्ति जल्द भारत सरकार द्वारा की जाएगी। हम वैक्सीन की निर्माता कंपनियों से लगातार संपर्क में हैं। पिछले 10 दिनों में हम ऑलमोस्ट 1500 हम लोग ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स ऐड कर चुके हैं। कई हमारे वेंटिलेटर्स और आईसीयू बेड्स भी एडिशन हुआ है। साथ ही साथ आपके सभी के संज्ञान में होगा कि कई सारी फैसिलिटीज हमने जनता को देने के लिए ताकि सूचना उन तक सही पहुंचे लगातार हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपने हमारे वैक्सीनेशन के फिगर्स भी देखे होंगे। वैक्सीनेशन के फिगर्स हमारे 40,000 के आसपास चल रहे हैं। करीब हमारी 500 टू से लेके 600 के आसपास वैक्सीनेशन साइट डेली हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। और गोइंग फॉरवर्ड जैसे हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे और बढ़ेगा हमारी नंबर ऑफ वैक्सीनेशन साइट्स को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे।